डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को बनाने का मेरा एक खास एम है, वेरी स्पेशल एम, जो कि मेरे बचपन की स्टोरी से जुड़ा हुआ है। मैंने बड़े होने के बाद पाया कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल थी, जो कि नॉर्मली सारे बच्चों के अंदर होती है। सभी बच्चे खास होते हैं और सभी के अंदर एक खास पोटेंशियल होती है, लेकिन उन्हें उस एज में सही मेंटोर नहीं मिल पाते हैं, सही टीचर्स नहीं मिल पाते हैं जो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दें और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाएं। इस वजह से उनके जीवन का एक बड़ा लक्ष्य अधूरा रह जाता है। बड़े होने के बाद मैं अब तक यही सोचती हूं कि काश काश किसी ने मुझे बैठकर अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा दिया होता तो आज मैं भी डॉक्टर होती। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैंने इस चैनल को बायो आरएस ट्यूटोरियल को बनाया है। मैं चाहती हूं कि मेरी तरह आप में से कोई भी सफर ना करे, अंग्रेजी वाला सफर ना करे कोई, और मैं चाहती हूं कि आप, अगर इंग्लिश में भी आप कमजोर हैं, बहुत सारे बच्चों में देखा गया है वो पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश समझ नहीं पाते, या कुछ बच्चों में ये भी रीजन होता है कि वो अच्छी तरह से उस कंटेंट को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि क्लास के लेवल पे, हर एक क्लास के लेवल पे छोटे तौर पर बताया जाता है, लेकिन उसी को जब जिस टीचर ने पहले से पढ़ रखा है और उसे एलाबोरेटली माने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाता है तो बच्चे आसानी से उसे समझ पाते हैं। तो इस तरह की परेशानियों की वजह से बच्चे पोटेंशियल होते हुए, उनके अंदर हिम्मत होते हुए, उनके अंदर इच्छा होते हुए वे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए मैंने बायो आरएस ट्यूटोरियल को बनाया है कि जो मैंने अपने बचपन में सफर किया वो आप सफर ना करें और आपको आसानी से समझ में आए बायोलॉजी, आसानी से याद रहे बायोलॉजी, इस तरह के कंटेंट्स मैं तैयार करके ले आ रही हूं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है चैनल, आपके लिए यूजफुल साबित हो रहा है चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए ताकि मैं इस वीडियो को लगातार बनाती रहूं और आपके जीवन को संवारने में एक छोटा सा रोल मैं भी अदा कर पाऊं। यहां आज ट्राकिया के स्ट्रक्चर को देखिए। ट्राकिया के स्ट्रक्चर में, इसमें आप नोट कीजिए कि ये ग्रीन में जो आपको नजर आ रहा है ये ट्राकिया है, ओके? और इस ट्राकिया में ये ब्लू में जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू में रिंग्स जो प्रेजेंट है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ओके? और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ये बोन्स नहीं है, यानी कार्टिलेजिस से बने हुए ये रिंग्स है जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है, यानी बॉडी के सामने वाले हिस्से में प्रेजेंट है और पीछे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ एब्सेंट होते हैं ये। अब इसमें आप देखिए, ये जो रिंग्स है जिसे मैंने आपको बताया कि ये कार्टिलेजेस से बने हुए हैं, ये कौन से कार्टिलेज से बने हैं? ये हायलिन कार्टिलेज से बने हुए हैं। हायलिन कार्टिलेज जो कि हमारे बॉडी का हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आप देख लीजिए। फर्स्ट तो हो गया, ये इनकम्प्लीट है पोस्टीरियरली, यानी ये एंटीरियरली है प्रेजेंट लेकिन पोस्टीरियरली क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी पोस्टीरियरली ये एब्सेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, सपोर्ट ट्राकियल वॉल, यानी जब हम सांस लेते हैं, देखिए ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, हवा अंदर भर रहा है तो ट्राकिया क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और ट्राकिया के एक्सपैंड होने की वजह से इसके कोलैप्स करने का डर रहता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स मेड अप ऑफ हायलिन कार्टिलेज क्या होता है, ये कोलैप्स होने से बच जाता है, ओके? तो ये सपोर्ट ट्राकियल वॉल्स एंड प्रिवेंट कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर आप समझ गए। अब प्रीवियस क्लास अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने आपको ट्राकिया में किस तरह से बाइफर्केट होता है ये बतलाया था मैंने आपको। तो देखिए, ये ट्राकिया जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, ये ट्राकिया है, इसे हम मेन ब्रोंकी कहते हैं, इसे हम मेन ब्रोंकी कहते हैं। ये मेन ब्रोंकी टू पार्ट्स में बाइफर्केट हो रहे हैं, दो हिस्सों में बट रहे हैं, जिसे प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं।
इसके बाद ये यहां से अगेन बाइफर्केट हो रहे हैं, जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं, इसे सेकेंडरी ब्रोंकी कहते हैं, और थर्ड में टर्शियरी ब्रोंकी हम फर्दर पार्टीशन को कहते हैं। यहां आप नोट कीजिए, दो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, यानी याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं टर्शियरी ब्रोंकी तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां तक प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा कि ये टर्शियरी ब्रोंकी तक प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और क्या है, रिंग्स आर एब्सेंट इन ब्रोंकियोल्स, और रिंग्स ब्रोंकियोल्स में एब्सेंट होते हैं। अब आउटर स्ट्रक्चर ट्रैकिया का समझ गए हैं, अब देखिए इनर स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्रैकिया का। ओके, तो ट्रैकिया के इनर स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ ट्रैकिया के इनर स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ ये ब्लू में जो आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये एपिथीलियम है। एपिथीलियम टिश्यू आपको मालूम है हमारे बॉडी में होता है, तो यहां किस तरह का एपिथीलियम प्रेजेंट है, यहां सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम प्रेजेंट होता है। अब ये आप समझ गए हैं कि ये एपिथीलियम का एक टाइप है। इसमें देखिए कॉलमनर मतलब क्या, लंबा, यानी यहां आप देख रहे हैं ये ब्लू में जो आप देख रहे हैं ये लॉन्ग साइज में आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए यहां एपिथीलियम कैसा है, ये कॉलमनर है। साथ में सीलिएटेड है ये, इसका मतलब क्या, यहां देखिए आप ब्लैक में रिप्रेजेंट कर रहा है सीलिया को। सीलिया मतलब क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी टेंटिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम सीलिया कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या कह रहे हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, क्योंकि ये एपिथीलियम कैसा है, सीलिएटेड कॉलमनर है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है ट्राकिया के इनर स्ट्रक्चर में, वो ये याद रखना है कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम के बीच में ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं। यहां आप ब्लू में जो आपको दिख रहा है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, इनके बीच में ये रेड जो आप देख रहे हैं, रेड में रिप्रेजेंट किया गया है ग्लैंडुलर सेल, और इन ग्लैंडुलर सेल्स के बीच में ये ग्रीन में रिप्रेजेंट किया गया है म्यूकस ग्लैंड। तो आप इसके ट्राकिया के इनर स्ट्रक्चर में समझ चुके हैं तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या तीन पॉइंट्स है वो, फर्स्ट ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम होता है इसमें, सेकेंड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम के बीच ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्लैंडुलर सेल्स में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ओके, अब आप इसको अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को समझ गए। अब यहां क्वेश्चन ये उठता है कि यहां जो म्यूकस प्रेजेंट है म्यूकस ग्लैंड में, ये म्यूकस आखिर क्यों सिक्रीट होता है। ओके, तो इसको देखिए, आप इस तरह समझिए, ये म्यूकस, पहले तो जैसे कि म्यूकस आप समझ रहे हैं ये चिपचिपा और गीला पदार्थ होता है, चिपचिपा गीला पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये चिपचिपा गीला पदार्थ क्या करेगा, ये मॉइस्ट रखेगा इनर वॉल को, यानी ये अंदर के ट्राकिया का जो अंदर का वॉल है इसको क्या रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, गीला रखेगा, भीगा रखेगा, ठीक है। क्यों रखेगा गीला, इसलिए क्योंकि जब म्यूकस मॉइस्ट होगा तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स एयर में, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो एयर में क्या होगा, एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी इनहेलेशन में आते हैं, तो इन डस्ट पार्टिकल्स को ये ट्रैप करता है। ओके, अब देखिए यहां इसके साथ, म्यूकस के साथ जब डस्ट पार्टिकल्स आता है, साथ में कुछ फंगस भी आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं, तो इनको ये क्या करता है, म्यूकस ट्रैप कर लेता है। और ट्रैप करने के बाद जब, जैसे कफ होता है, तो आप देखते होंगे कफ होने के बाद वो हमें गले में लगता है और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, स्पिट आउट करते हैं, थूक देते हैं निकाल के, तो उसी के साथ कभी आप नोटिस कीजिएगा डस्ट पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, तो इसीलिए ये क्या करता है, ये म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके बाहर कर देता है, स्पिट आउट कर देता है। और ये टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है इनहेल्ड एयर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर रेगुलेट करने का मतलब क्या, टेम्परेचर रेगुलेट करने का मतलब, जैसे देखिए हमेशा हम सेम एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं,
कभी जैसे आप गर्मी के एनवायरमेंट में है जहां गर्मी ज्यादा है, कभी ठंड ज्यादा है, तो गर्म जगह पे आप गर्म हवा इनहेल कर रहे हैं, ठंडे जगह पे आप ठंडी हवा इनहेल कर रहे हैं। ऐसे में अब वो गर्म हवा हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचता है या ठंडी हवा हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचता है, तो यहाँ म्यूकस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे टेम्परेचर को, हमारे इनहेल किए हुए एयर के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे पहले उसको लाता है और उसके बाद वो लंग्स तक पहुंचता है। ओके, सो ये फोर पॉइंट्स म्यूकस के क्या इंपॉर्टेंट काम है, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। बस आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि म्यूकस गीला पदार्थ होता है जिसकी वजह से इनर वॉल मॉइस्ट रहता है, इसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स में ट्रैप होते हैं, इसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्पिट आउट होते हैं म्यूकस के साथ, और ये बॉडी के इनहेल्ड एयर को बॉडी के टेम्परेचर पर लाकर उसे लंग्स तक पहुंचने देता है। ओके?